यस बेटा, यस्टरडे वी आर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस एक्सरसाइज से। फिर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। मिसलेनियस के एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था कि ट्राई कीजिए, वो आपके असेसमेंट का पार्ट है, यू हैव टू डू दैट। तो बेटा आज हम मिसलेनियस के पहले एक्सरसाइज को जो है डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स आप कीजिए, लास्ट में मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगी, इफ एनी प्रॉब्लम इन मिसलेनियस एग्जाम्पल। ओके, लेट अस डू फर्स्टली द मिसलेनियस क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, फॉर दैट बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन पेज 46, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू। हाँ जी, अब ध्यान से सुनना बेटा, द रिलेशन एफ मेरे पास डिफाइंड किया, एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, 3x 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, जी एक्स स्क्वायर 3x 0 लेस देन इक्वल टू, मेरे पास वो है ये 2 एंड 3x, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10, शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट। उसने कहा कि f एक फंक्शन है लेकिन g नहीं है। फंक्शन के लिए हमने क्या कहा था, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, am I right? हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे देखा करो, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो पॉइंट यहां पर भी है यहां पर भी, ओके, कॉमन पॉइंट। तो मैं यहां से अगर एफ ऑफ 3 देखूं, 3 का स्क्वायर 9, तो दैट मींस मेरे पास 3, 9 एक एलिमेंट होगी। अब मैं यहां से देखूं, अगर मैं पुट करूं एफ ऑफ 3, तो 3 × 3 दैट मींस उसने सेम ही बनाया 3, 9, एफ इज अ फंक्शन 100%। लेकिन आओ अगर जी एक्स पे आए हूं, लेट अस सी, टू क्रिटिकल पॉइंट है। जब मैंने 2 पे देखा पहले से एफ ऑफ 2, 2 स्क्वायर 4 आया, नीचे से देखूं एफ ऑफ 2, 3 × 2, 6, यहां बता रहा है 2 × 4, यहां बता रहा है 2 × 6। फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इमेज भी क्या है, डिफरेंट है, या तो इमेज सेम होती तो कोई उसका सेकंड भी सेम है, यानी वो एक ही एलिमेंट बना ना 3, 9, बट यहाँ फर्स्ट सेम है लेकिन सेकंड दोनों के केस से इमेज डिफरेंट आ रही है ना। ये वही एग्जांपल हो गया ना, ये मैम ने रूम में एंटर किए, यहाँ उनका नेम लिखा और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम लिखा, कहाँ जाएंगे वो, दिस इज नॉट अ फंक्शन। वहां वो ही लिखा नेम, प्रिंसिपल मैम ही है, एक ही चीज, यहीं पे प्रिंसिपल मैम, यहीं पे उनका नेम मिसेस कमलजीत का, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, चाहे मैं इधर से जाऊं चाहे मैं इधर से जाऊं, कोई प्रॉब्लम, 1 to 1 ही है, यहाँ 1 to many है, तो वो तो फंक्शन होता ही नहीं है। समझ आ गई बात, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा, ओके गुड। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, वेरी इजी। हाँ जी, हु इज एबल टू टेल मी फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जस्ट रेज योर हैंड। सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, फाइंड दिस, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, हाउ टू डू दिस, ओनली दिव्यांशी, बाकी बच्चे मन्नत, मन्नत अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम,
बेटा बताइए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मन्नत वेरी इजी बेटा. मन्नत सम वैल्यूज. हाँ बिल्कुल वैल्यूज ही पुट करनी है. एफ ऑफ 1.1 है तो एफ का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो 1.1 का स्क्वायर. एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है मन्नत. ओके जी अब सॉल्व कर लो आगे. ठीक है ना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ. ए माइनस बी वाला कट जाना ए प्लस बी तो 2.1 आंसर. मैनुअली कर सकते हैं. ओके नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. चलिए बेटा हु विल टेल मी. बिल्कुल हाँ जी दिव्यांशी बताएगी शाबाश. यस दिव्यांशी. मैम डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर माइनस द कर्ली ब्रैकेट्स 2,6. कैसे आया 2,6? मैम बिकॉज वी विल चेक कि जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके हमारे पास टू फैक्टर्स बन रहे हैं एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स माइनस टू. अगर वो दोनों जीरो के इक्वल हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा वो नॉट डिफाइंड आएगा इसलिए वो दोनों जो है वो इक्वल नहीं होंगे जीरो के. वेरी गुड दिव्यांशी करेक्ट एक्सप्लेनेशन. हम डिनोमिनेटर में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. बाकी सब पे ये डिफाइंड है. इसके फैक्टर बनाए दिव्यांशी सेट की मैम एक सिक्स और टू आए चेक कर लेना बेटा. तो दैट मींस ऑल रियल पे एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट दीज पॉइंट. तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज रियल माइनस 6,2. चेक कर लेना बेटा इसके रूट्स. ओके 100% ट्रू दिव्यांशी. चलिए बेटा नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. हो गया फोर्थ क्वेश्चन बेटा. लेट अस सी कि फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या आता है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एफ ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस वन. वी नीड टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दिस बेटा. हाँ जी अब बेटा डोमेन जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर अंडर रूट वाला है. हाँ जी अंडर रूट वाले में क्या करते हैं. हु इज एबल टू टेल मी. अरे सिर्फ दिव्यांशी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है मेरे बाकी बच्चे. हाँ जी गुरसीरत. यस बेटा हम इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे ऑल पॉजिटिव नंबर्स ले सकते हैं. वेरी गुड गुरसीरत. अंडर रूट के अंदर आ गया नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. तो दैट मींस एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो भी आ सकता है क्योंकि ये न्यूमिनेटर में. अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इक्वल टू जीरो नहीं आता. वेरी गुड गुरसीरत. तो दैट मींस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. तो दैट मींस डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज वो मेरे पास क्या है. दैट इज वन इंक्लूड है टू इंफिनिटी. दिस इज माय आंसर. वेरी गुड सारे पार्टिसिपेट करो मैम को भी अच्छा लगता है. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस सी रेंज भी का है. चलिए जी हम रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं. रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे. y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस वन. y स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू x. x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी यहां पर. ये पॉजिटिव है. आप यहां पर जो है पॉजिटिव रियल जीरो आ सकती है कभी नहीं आ सकती. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. ओके आप वाई की वैल्यू आप कुछ भी सकती नेगेटिव आ ही नहीं सकती मुझे भी पता है ना. यहां पर वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया था ना. तो दैट मींस और यहां से मैंने कहा आई वन से बड़ी आएगी
ठीक है दीदी, तो क्लियर कर, क्योंकि हम क्या करते हैं x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं और y पे कंडीशन देखते हैं, तो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा वन, ऑलवेज वन, तो दैट मींस कि मेरे पास क्या आएगा, डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन इज वन टू इंफिनिटी। चेक कर लिया करो, आप पुट करो, वन से बड़ी कोई वैल्यू, वन से बड़ी 1.5 अगर मैं पुट करूं, लेट अस सी, वन से बड़ी सॉरी पुट करनी है तो 1.5, 0.5 आ रही है, 0.5 आ रही है, हमने यहां क्या लिया, वन, गड़बड़ी की, मैंने जानबूझ के ही लिख के दिखाया, क्यों, मैंने यहां x की वैल्यू पे ये कंडीशन लगाई है, मैंने y तो निकाला ही नहीं, तो y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी आ सकती थी तब जब x की वैल्यू 1 लेते, तो दैट मींस रेंज मेरी यहां 0 आएगी। हम हमेशा ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने वो लिखा कि आपको क्लियर करने के लिए। बेटा देखो, y स्क्वायर प्लस 1 को मैंने कहा कि वो 1 से बड़ा है, मैंने y की वैल्यू तो निकाली नहीं ना, तो यहां से y की वैल्यू निकालनी थी, 1 1 कैंसिल, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने वो आपको शो भी कर दी कि आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा रेंज, जीरो। बेटा यहां जीरो नहीं आ सकती ना, वो कंडीशन किस पे लगाई मैंने, पूरे फंक्शन पे, एक्स पे, वाई स्केयर प्लस 1 पे, कि उसका आंसर वहां से निकालनी तो वाई है ना, हमने तो फंक्शन को दे दिया, वो गलत हो गया, समझ आई मेरी बात, उसकी पूरी वैल्यू निकालनी होती है। हाँ जी जीवितेश, एनीथिंग यू वांट टू से? मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। श्योर बेटा, लो जी, पहला तो स्टेप ये था कि ये अंडर रूट के अंदर था, अब ये अंडर रूट के अंदर है तो बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से x की निकाली थी नहीं, 1 उधर गया ना, मैंने ये तो नहीं किया कि आंसर कह दिया कि 0 टू इंफिनिटी x निकालते हैं, ठीक है। अगले में अगर हमने रेंज निकालनी है, रेंज निकालने के लिए उस टर्म को y लेते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड की x की वैल्यू निकाल, वो y स्केयर प्लस 1 आए, मुझे पता है कि यहां पर y स्केयर प्लस 1 हमेशा 1 या 1 से बड़ा आएगा अगर y 0 है ना, तो y की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो क्या आ गई, 0, यहां पर भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही था, कॉमन 0 ही था, तो रेंज कितना आया, 0 टू इनफिनिटी। ओके जीवितेश? यस मैम। ओके चलो बेटा, कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। मैं ये तो बहुत सारे आप लोगों को करवा चुकी हूं, बट फिर भी आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 5, 4। क्वेश्चन 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। हां जी, ओ यस, ऑफ अ फंक्शन दिस। अब ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए, हम कितनी बार कर चुके हैं। हाँ जी, कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ जी हिमांशु, यस बेटा। मैम पहले तो मैम क्लियर है कि मैम मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन को हम रियल नंबर मानते हैं, और उसके बाद फिर मैम डोमेन इसका आर हो जाएगा, और मैम इसकी फिर जब मैम रेंज लेंगे तो रेंज सारी ऑल नेगेटिव नंबर आएगी। ऑल क्या आएगी? ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ मैम अज्यूम कर लिया था रियल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मेरे पास डोमेन, मैं किसी पे भी पुट कर सकती हूँ, कोई भी वैल्यू, ऑल रियल, लेकिन डोमेन रेंज हमेशा आर पॉजिटिव, जीरो भी आ सकती कोई, इसीलिए मैं कहती हूँ ऐसे मत लिखो, क्योंकि 1 पे 0 आ सकती है ना, तो बेटर टू राइट मेरे पास जो है 0 टू इनफिनिटी।
क्योंकि आर पॉजिटिव पे ना नॉर्मली जीरो आर पॉजिटिव में ही लेते हैं, बट कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना, ठीक है ना? वी हैव टू राइट इन प्रॉपर. वेरी गुड दिव्यांशु बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन करने के ना लंबे मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है. पहले मैं आपको ना एक शॉर्टकट मेथड बताने लगी, बिल्कुल शॉर्टकट. कैसे? मेरे पास पहले तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स बिलोंग्स टू आर, बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फाइंड द रेंज. उसने मुझे कहा रेंज निकाल. मैंने क्या किया, शुरू किया, पहले x की वैल्यू जीरो ली. जब मैंने जीरो ली ना, जीरो ओवर समथिंग y जीरो आए, ओके. मैंने x की वैल्यू प्लस माइनस वन ली. मैं इकट्ठे क्यों ले रही हूं, चाहे मैं प्लस ले लू चाहे मैं नेगेटिव ले लू, आना आंसर पॉजिटिव ही है. तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू वन ओवर टू, यही बना ना, चेक कर लो एक सेकेंड, वन और वन प्लस वन टू, ओके. ऐसे ही मैंने x की वैल्यू, अच्छा एक बीच में और ले लेती, प्लस माइनस पॉइंट फाइव, कैलकुलेट कर लो यही आंसर आएगा. ऐसे ही मैंने x की वैल्यू प्लस माइनस 1.5 ली, कैलकुलेट करो मेरे पास ये आंसर आएगा. x की वैल्यू प्लस माइनस 2 ली, आंसर 4/5 आएगा. प्लस माइनस 3 ली, आंसर y का 9/10 आएगा. एक जस्ट अप्रोक्सीमेट मैंने लिया, कुछ नहीं सोचा. अब यहां से मैं देख रही हूं आंसर कैसा आ रहा है, कोई बता सकते हो आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है, बट सारे आंसर वन से छोटे हैं. क्यों? आप खुद सोचो, ऊपर वाली टर्म छोटी है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, रहनी पॉजिटिव है, बट आंसर, अच्छा वन भी आ सकता है, कब आ सकता है? अगर मैं एक्स जीरो पुट करूं, आ रहा है? चेक करो, नहीं आ रहा. वन पुट करूं, नहीं आ रहा, यानी आंसर कभी वन नहीं आ सकता. चेक कर लिया ना, जो मेरे डाउट मैंने आपको कहा, मेरा आंसर वन भी आ सकता है ना. आप सोच सोचो, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वन एक ही केस में हो सकता था मेरे पास, है ना, कि मैं, बट यहां पर वन ऐड हो रहा है, तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है. यानी यहां से मैंने ये क्लियर कट शॉर्टकट में लिख दिया, रेंज जो मेरी है वो क्या आएगी, रेंज ऑफ ए फंक्शन, जीरो इंक्लूड है, वन इंक्लूड नहीं, क्योंकि अब हमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी तो पता होने चाहिए ना. अब अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूं और इससे शॉर्टकट में, वो क्या, एक्स स्क्वायर हमेशा जो है वो क्या रहता है, जीरो या जीरो से बड़ा रहता है. अब बेटा अगर मैं इस साइड क्या करूं, ये पॉजिटिव नंबर है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन लू, वो हमेशा एक्स स्क्वायर से ग्रेटर रहेगा, रहेगा कि नहीं? अच्छा इक्वल आ सकता है साथ में, नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता. इक्वल एक केस में हो सकता है सिर्फ, अगर एक्स क्या हो, जीरो, एक्स जीरो हो तो वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉसिबिलिटी है ना. मैंने लिख लिया यहां वन, बता क्यों नहीं, कोई एक होना जरूरी होता है ना, इक्वल नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी सही है. इसका मतलब मैं यहां इक्वल टू हटा भी सकती, पहले टेंशन फ्री कर दू, ठीक है जी. मैंने इक्वल टू हटा दी, मुझे फंक्शन कैसा बनाना है, ऐसा मैं इसको नीचे ले, वन, यानी इसका आंसर हमेशा क्या है,
वन से छोटा, पर मुझे इतना पता है कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन वो क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं हमेशा, क्योंकि जीरो पे जीरो बन गया है ना, तो दैट मीन्स दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन, ये क्या बन गई, रेंज ही बन गई। मतलब आप जैसे मर्जी सोच लो आंसर सही माना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पर रियल पॉजिटिव लिख देता तो मैं नंबर नहीं देती उसको, यानी उसने डीपली नहीं एनालाइज किया। रियल पॉजिटिव में तो बेटा वन से बड़ी वैल्यू भी आती है, टू भी आती है, थ्री भी आती है, वो आ ही नहीं सकता। हमने मिनिमम लिखना होता है, मिनिमम जो रिजल्ट होता। बात समझ आई, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, अब सेवेंथ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, दैट इज योर होमवर्क। आई एम डूइंग द एट क्वेश्चन नाउ। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट तो नहीं है ना, क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, नाउ कम टू एट क्वेश्चन बेटा। अगर एफ मेरे पास वन वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री एक फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स डिफाइंड एज, अब उसने कहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, क्या करो? अगर ये फंक्शन है तो वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ये एक्स की वैल्यू है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई या एक्स ऑफ एक्स, तो पुट करें। अगर एक्स की वन ली, एफ ऑफ वन ए प्लस बी, और एफ ऑफ वन क्या है, वो भी वन, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी जीरो वाली ले लो, कैलकुलेशन उतनी इजी हो सकती। तो जब मैंने ली एफ ऑफ जीरो, बी रह गया, ये माइनस वन के इक्वल, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, यहां बी माइनस वन पुट करो, ए कितना आ गया टू। बस ऐसा ही एग्जाम्पल में क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था एक्सरसाइज में डिस्कस हो जाएगा। ओके जी, जब भी पॉइंट सी हो उसे फंक्शन में सेटिस्फाई कराओ, और जो अननोन क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट निकालने निकालो। बेटा उसने कहा कि ये फंक्शन के एलिमेंट्स हैं, और फंक्शन इस फॉर्म में, इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये इसका फंक्शन से ये वैल्यू निकाल ली है तो एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये होता है एक्स, और वाई क्या होता है एफ ऑफ एक्स। जब मैंने लिया एफ ऑफ वन, एक्स की वैल्यू वन पुट की, एफ ऑफ वन कितना है वन, वन डाला ए प्लस बी, यहां पर ये बन गई। अगली बार आप कोई भी पुट कर लो, मैंने जीरो पुट कर ली, मुझे लगा उससे जीरो हो जाएगा एक क्वांटिटी, मैंने एफ ऑफ जीरो लिया, जब एफ ऑफ जीरो पुट किया यहां क्या रह गया बी, और इधर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या माइनस वन इक्वल बी की वैल्यू आ गई, मैंने पुट की ए की वैल्यू आ गई। ओके जी, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले बेटा आगे, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी एग्जाम्पल की तरह है, मिसलेनियस एग्जाम्पल की तरह, अगर आप इसको समझ लोगे तो वो भी मिसलेनियस एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में मेरे पास है लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आर द फॉलोइंग ट्रू, ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, वो कहते हैं क्या ये ट्रू है? आप खुद सोचो,
अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, b क्या बनेगा 1, इसमें तो ठीक है, मैं 2 पुट करती हूँ, आंसर क्या आ रहा है 4, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसने a कर रहा है, कहाँ कर रहा है ये वाला, a कॉमा a 3 पुट कर रही हूँ 9, ये भी नहीं पुट कर रहा, एक बार नहीं, अगर कोई कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसपे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आपको ढूंढना है। यस जिवितेश, हम नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ लिखा है ए बी बिलोंग्स टू एन, एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकते। मैम फिर जीरो इंक्लूड करेंगे इसमें? बेटा नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है, होल में डीपली देखना है ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, होल नंबर होता तो मैं जीरो लेता, तब भी जीरो जीरो कर जाता, 1-1 कर जाता, अरे 2-2 तो कर ही नहीं रहा। तो आप यहाँ लिखोगे 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। 3,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, एक एग्जाम्पल दे दोगे बस, चीज ट्रू, कोई भी रिलेशन ट्रू तभी होगा अगर वो सारे एलिमेंट के साथ ट्रू हो, किसी एक के साथ भी वो ट्रू नहीं है तो जस्टिफाई नहीं। ओके क्लियर बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट जो है मेरे पास सेकंड पार्ट ऑफ दिस, सेकंड पार्ट ऑफ द सेम रिलेशन, ए बी आर को बिलोंग करे इंप्लाइज बी ए बी आर को बिलोंग करे, ये जो मैं अभी चीजें रिलेशन की बता रही हूं ना, जब ए ए आर को बिलोंग करता है तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। आप प्लस टू में पढ़ोगे व्हेन ए ए बिलोंग्स टू आर सच रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव फंक्शन, मतलब अपनी अपनी ही रिफ्लेक्शन, ए की रिफ्लेक्शन ए आ गई ना, ये अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज प्रूफ हो जाए कि बी ए बी आर को बिलोंग करते हैं तो ऐसे आर को कहते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन हम रिलेशन की बात कर रहे हैं यहां, फंक्शन नहीं दिया। देखो अब देखिए बेटा, अगर मैं लेती हूं 2, अच्छा पहले मैं लू 1, 1 को 1 से पुट किया, 1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज मेरे पास जो है 1,1 बिलोंग्स टू आर, एक पे तो ट्रू है, ए भी चेंज भी कर दो बट यहां सेम सेम हो गया। अच्छा अगर मैं लू 2, बिलोंग्स टू आर बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर, वो नहीं कर सकता क्योंकि एक्स 4 लेती हूं तो वाई कितना बन जाता है, ठीक है ना मेरे पास। एक सेकेंड, हमने ना a इज इक्वल टू बी स्केयर लिखा है ना, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, यहाँ सारे एग्जाम्पल पीछे भी गलत ले लिए, उल्टा x की वैल्यू लेनी थी तो वो अंडर रूट में आना था ना, हमने b निकालना होता है, जो मैंने पहले में एग्जाम्पल लिया, लेट अस सी बेटा, मैं दोबारा करवाने लगी हूँ प्लीज। रिफ्लेक्सिव में भी 2,4 थोड़ा आना है, आप खुद सोचो, मैंने अगर ये 2 लिया तो बी रूट 2 आना था, हमने गलत लिख दिया ना, ए को 2 लिया तो बी की वैल्यू रूट 2 नहीं आएगी, मैंने भी यही गलती, अगर ये होता ना ऐसे बी इज इक्वल टू ए स्केयर तब होता 2,4, हमने गलती कर दी ना, यही मिस्टेक हो जाती है कई बार, ध्यान क्योंकि समझाने में है मेरा तो वो मिस्टेक हो गई, तो प्लीज करेक्ट इट, 2,√2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी डज नॉट रिप्रेजेंट, ये आर को तो बिलोंग करते हैं बट ए ए
डज नॉट बिलोंग्स टू यहां पर आर, फॉर ऑल ए बिलोंग, सबके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सिमेट्रिकल, उसका भी कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने लिया फोर, ठीक है, यहां क्या आएगा टू, यहां पर लिया, अगर मैं लेती हूं टू तो रूट टू, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बट ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, सिर्फ वन वन के केस में है और किसी में नहीं, ठीक है बेटा। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, लास्ट पार्ट रिलेशन का, क्या दिया हुआ है देखना बेटा, आई एम रबिंग दिस, आर मैंने स्टेटमेंट पहले गलत ले ली थी बेटा, तो प्लीज करेक्ट करके लिखना। मेरे पास है थर्ड पार्ट कि ये ट्रू है कि नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांसफर होगी कैसे, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, फिर आ गया यहां से यही लिया, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्या ए सी आर को बिलोंग करेगा, लेट अस सी। मैंने लिया ए वन, चलो टू से लेते हैं, वन वन की टेंशन छोड़ देते, अगर ए वन लिया बी कितना आ गया, ओके अब सी लेना है। अगर मैं ध्यान से देखना, बी सी, बी सी मतलब b इज इक्वल टू सी स्क्वायर बन गया, यही बना ना, तो अब मैंने रूट टू पुट किया तो c क्या हो गया, रूट टू का भी रूट, आया कि नहीं आया। अगर a रूट मेरे पास हो गए, मैं कैलकुलेट कर रही हूं अभी यहां से देखिए, और मैं ले लू ए बी आर टेकन टू रूट टू, ठीक है, और बी सी मेरा क्या बन गया, रूट टू बी, मैंने लिया रूट टू, चेक करना बेटा, तो मेरे पास रूट टू और ये बन गया रूट टू का डबल। अब मैंने चेक करना है ए सी, मतलब टू रूट रूट टू, अब ए की वैल्यू अगर मैं टू पुट करूं और बी की सी की वैल्यू यहां पर स्क्वायर करूं, ये आया, ये क्या ये ट्रू है, इज टू इज इक्वल टू रूट टू, नॉट ट्रू, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर ये आर को बिलोंग कर रहा है, ये आर को बिलोंग कर रहा है, बट ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो दैट मींस दिस पार्ट इज नॉट। हम दोनों चीजें वो लेते हैं जो ट्रू होती है, मान के चलते हैं, प्रूफ इसको करना होता है, बट मैं ए और सी को लेके चल रही हूं, बट वो मेरा इसको इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दैट मींस ये ट्रू नहीं हो सकता। बात समझ आई, क्लियर बेटा, एनी डाउट टू एनी वन? नाउ ट्राई द क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th, ओके, ट्राई एज होमवर्क, वी विल आस्क यू द प्रॉब्लम फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन मंडे, ओके, टिल देन गुड बाय बेटा एंड टेक केयर।